एक या दो बार फोन किया उसके बाद फोन कर मेरा खोपड़ी मत घुमाओ। तो गरीबी ऐसा भी नहीं कि साला बीवी बच्चों को ले जाके कोठे पे बैठा। क्या पता तुम्हारा भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो। जब ही तो मैं विधवा की देखो ना, मैंने इनको कोठे पे बैठे हुए देखा था। क्या है ये, क्या पहन के घूम रही हूँ मैं, देखना विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। पीछे हटिया। देखिए सबसे पहले तो रोने से कुछ नहीं होगा ना, ठीक है? रोओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आए हो किसी काम समझ कर आए हो, कोई काम के लिए आए हो, तो वो चीज बताओ, नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा। रोना है तो जाओ घर पे बैठ के आराम से रोना। ठीक है मैं बताती हूँ आपको, अब बैठिए। हाँ आप बताओ क्या बात। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड हमें बहुत पहले 25 साल पहले छोड़ के चले गए थे। अच्छा। तो हम इतने मतलब बहुत ज्यादा गरीब थे। एक मिनट रुक जाओ इंट्रो कर लें, कर लूँ। हाँ। लगा दिया बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल, मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये सुष्मिता आंटी है। तकरीबन 7-8 रोज से इनका कॉल आ रहा था मिलने के लिए। हालांकि थोड़ी अभी दूसरी समस्या के समाधान में हम लगे हुए थे, टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि देखे होंगे आप लोग 10-15 दिन हो गए चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं आया होगा। जब इनसे बात किया, जो चीज़ें बताई ना सुन करके मतलब दिमाग हिल गया एकदम बिल्कुल। मतलब एक शादीशुदा औरत, सुहागन औरत, आज तकरीबन 25 साल से विधवा की जिंदगी जी रही है। ऐसा भी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। हस्बैंड है इनके, जिंदा है, आज भी जिंदा है, लेकिन 25 साल से देख सकते हैं आप लोग व्हाइट साड़ी पहन करके विधवा की जिंदगी जी रही है। इनका बेटा भी है एक, वो भी बड़ा हो गया आज मेरा बेटा। क्या हुआ बताइए, देखिए हम सामने कैमरा लगाए, सारा चीज बताइए, ठीक है? डरना नहीं है बिल्कुल, अगर डरिएगा तो कुछ नहीं होगा। हुआ क्या है ये बताइए पहले। देखिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा गरीब थे हम लोग, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे हमें। अच्छा। हम अस्पताल में पड़े हुए थे, मेरा बच्चा बहुत बीमार था उस टाइम, बहुत छोटा था मेरा बेटा। अच्छा। मैंने हस्बैंड को कॉल करी, सब कुछ करा, लेकिन वीडियो कॉलिंग भी करी, सब कुछ देख के उन्होंने अनदेखा कर दिया। आपका हस्बैंड ने? हाँ। लेकिन क्यों किया, कोई तो रीजन होगा ना आप लोग को छोड़ने के लिए? बिल्कुल मैं बताती हूँ आपको, रीजन भी बता देती हूँ मैं आपको। वो एक्चुअली वो क्या था, उनको भूत सवार था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, सेठ अमीर बनूँ मैं। अच्छा। तो उनकी जिंदगी में कोई मतलब कोई कंपनी का आया, कौन आया मुझे नहीं मालूम। अच्छा। वो उस आदमी की वजह से हमें छोड़ के चले गए। अच्छा, मतलब वो किसी के संपर्क में थे पहले से ही। अच्छा, वहाँ जॉब काम कर रहे थे, ठीक है? लेकिन आप लोग को उसको चक्कर में आप लोग को छोड़ दिया, हमें छोड़ के चले गए। हम इतने मजबूर थे उस टाइम, इतने परेशान थे हम लोग कि मैं बता नहीं सकती, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम। तो जब जिस समय आप लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप लोग उनको बताने का कोशिश नहीं किया? किया ना, वीडियो कॉलिंग करी हमने, सब कुछ करा, उन्होंने कॉलिंग भी उठाई एक बार, फिर वीडियो कॉलिंग भी देखा, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने, और हमें छोड़ के चले गए वो। तो सब देखने के बावजूद भी इग्नोर कर चले गए वो, बिल्कुल। तो इसके पीछे कोई रीजन होगा ना, क्या आप दोनों ने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज किया था? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। फिर क्यों, क्या रीजन था उनको छोड़ने का? कुछ ना कुछ तो होगा, बस वो ये चाहते थे। नहीं तो ऐसा, जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, कि कोई पति अपने पत्नी को उस अवस्था में नहीं छोड़ के जा सकता है जिस अवस्था में उसका बच्चा साल और 1.5 साल का हो, और हॉस्पिटल में एडमिट हो किसी बीमारी को लेकर के, उस अवस्था में वो छोड़ कर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके पति उस स्थिति में भी छोड़ करके चले गए? अब मतलब वो क्या कह रहे हैं आपको, फोन करके परेशान कर रहे हैं? अब वो 25 साल बाद वापस आके मुझे मतलब परेशान कर रहे हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझसे मिल लो एक बार आके, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मुझे, आपके पति? हाँ जी। तो अच्छी बात है ना, मिल लीजिए उनसे, सुहागन की जिंदगी जिए। मैं कैसे जी रही हूँ, 25 साल हो गए मैं ऐसे जी रही हूँ, कोई औरत जी सकती है ऐसे सुहागन होते हुए, ऐसे विधवा की औरत जी सकती है कोई? मैं जी रही हूँ, देखिए अपने बच्चे के लिए, दुनिया को, दुनिया के लिए जी रही हूँ, देखो जरा कैसे जी रही हूँ मैं, ऐसे नहीं जीना चाहती। 25 साल बाद याद आया, आज 25 साल बाद उस आदमी को याद आई है मेरी,
क्या करूँ मैं बताइए। आप अपने लड़के, आपका लड़का भी तो है कोई? हाँ मेरा बेटा है, जवान हो चुका है। अच्छा, आज अच्छी खासी मतलब ऐसी वो है, उसके पास फैक्ट्री है, सब कुछ है, हमारे पास भी कोई कमी नहीं है अब इस टाइम। अच्छा, तो अच्छा कमा रहा है। तो लड़का से बोलना चाहिए ना कि बेटा तेरे पापा आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं एक बार। उसे नहीं बताना चाहती, बिल्कुल नहीं। जब मैं कोई लिंक नहीं रखना चाहती उनका, तो उसे क्यों बताऊँ मैं बेटे को अपने? मैं नहीं बताना चाहती उसे कि कोई बाप भी है उसका कोई। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इतना भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि एक पिता से बेटे को जुदा कर दिया जाए। तो क्या करूं? एक, आप बताइए। एक पति को पत्नी से जुदा कर दिया जाए, इतना भी क्रोध हो सकता है? कोई उनके पास भी मजबूरी होगी उस टाइम, काय की मजबूरी, इसलिए वो छोड़कर चले गए होंगे। इतने गंदे हालात में कोई इंसान छोड़ के जा सकता है? आप बताइए, ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, 25 साल के बीच में कभी भी उन्होंने फोन करने की कोशिश नहीं? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कॉल नहीं करी, कभी कभी याद भी नहीं किया होगा शायद उन्होंने। तो मैं तो कई बार हर तीज त्योहार पे याद करती हूँ, उन्होंने कभी मुझे याद नहीं किया। मेरा बच्चा याद करता है, मम्मी पापा होते आज हम ये करते वो करते, मेरा बच्चा इतना परेशान होता है। सबके माँ बाप कितने खुश हैं और मैं देखो कितनी दुखी हूँ, एक विधवा की जिंदगी काट रही हूँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं नहीं मिलना चाहती उस इंसान से। देखिए, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, हल भी करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जानते हैं कब जब आप चाहिएगा तब। क्योंकि कोई भी इंसान के अंदर का तकलीफ जो है ना, उससे ज्यादा बेटर दूसरा कोई नहीं जान सकता है। ये तो समझ रहे हो ना आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो मैं अगर कुछ कर भी दूँ, अगर आपको वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर उसमें हमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। मैं बताइए, आप एक बार मुझे बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। जहाँ तक मेरी अगर मानिएगा आप जानकारी है, तो अगर वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बार प्लीज उनसे मिलिए, ठीक है ना? बात कीजिए, क्या कह रहे हैं? हमारे लिए मिलिए ना, आप हमको कुछ समझ कर यहाँ पे आए हो ना। बिल्कुल, तो आप उनसे एक बार मिलिए, उनको फोन करके यहाँ पे बुलाइए, ठीक है? और डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम कैमरा लगाए हैं, अगर कुछ भी अगर उल्टा सीधा भी करते हैं ना, तो सारा हमारे पास रिकॉर्ड होगा, प्रूफ होगा। आप एक बार मिलिए तो सही उनसे, कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, वो आपके पति हैं, आपके हस्बैंड है, आपके मांग में सिंदूर डाले हैं, वो आपकी मांगों को सजा कर रखे हैं। गया था 25 साल से, कहां गया था वो सिंदूर, वो आदमी, वो सब कुछ कहां गया था? हो सकता है कहीं किसी चीज में वो पकड़े गए होंगे, जेल चले गए होंगे, आपसे नहीं बताए होंगे शिकायत की, ऐसा भी तो हो सकता है। उनके साथ भी कोई मजबूरी होगी, ये भी तो आप समझो। जब समझने की कोशिश करो, आपके पति हैं, आपके हम सफर हैं। 25 साल बाद जब वो आपको याद कर सकते हैं, तो आप उनको नहीं कर सकते हो? आपका भी अधिकार बनता है करने का। चलो अब एक मौका दो उनको, फोन करो, मोबाइल लाए हैं आप कह रहे हैं तो मैं मौका दूंगी। तो आप उनको एक बार फोन करके बुलाओ यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करो कि आखिर वो क्यों मिलना चाहते हैं, और इतने दिनों तक वो कहाँ थे 25 साल तक। मेन बात तो ये है, मेन मुद्दा यही है कि वो 25 साल तक कहाँ थे, और अगर थे भी, जिंदा थे, वो होशो हवास में थे, तो आपके पास कॉन्टेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपके पास आने की कोशिश क्यों नहीं की? ये चीज है, इसलिए मैं आपके ऊपर दबाव डाल रहा हूँ कि आप उनसे एक बार कम से कम मिलिए। मैं एक बार मिलूंगी उनसे। तो आप उनको कॉल करके यहाँ बुलाइए, यहाँ आए हैं ना दिल्ली में? दिल्ली में है ना, तो उनको बुलाइए यहाँ पे कॉल करके, ठीक है? मोबाइल नंबर उनका याद है? एक काम करिए ना, जिस नंबर से वो कॉल करके आपसे मिलना चाहते हैं, बात करते हैं, उस पे फोन करके उनको यहाँ बुलाइए, ठीक है? एक बार मिल लेंगे ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने कॉल करा दिया है अंकल को, अब रीजन क्या है, क्यों छोड़ के गए, अभी इन सब चीज़ों पे अभी फ़िलहाल चर्चा करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि जितना आंटी जानती थी शायद वो बता चुकी है इनके 25 साल बीते हुए लाइफ में क्या क्या चला है, क्या क्या गुजरा है। और कुछ पर्सनल चीज़ होता है जिसको हम नहीं पब्लिकली कर सकते हैं, बट कोई नहीं, अंकल का हम वेट करते हैं, आधे घंटे का समय लिए हैं। जब वो विदेश से दिल्ली आ चुके हैं इनसे मिलने के लिए, तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है पूरा कि वो आ सकते हैं,
आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वो 25 साल तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और आज एक बैग अचानक इनसे वो क्यों मिलना चाहते हैं। तो आंटी आपने माइक रखो, ठीक है, और आप घबराना बिल्कुल नहीं। देखो हम सामने कैमरा लगाए हैं, अगर वो उनका अगर उल्टा सीधा ही कोई बिहेव करने का मन होगा, विचार होगा, या कुछ और काम करने का विचार होगा, तो यहाँ वो करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, एक प्रूफ हो जाएगा। अगर सही है वाकई में तो सही का भी हम प्रूफ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपको कुछ बताना नहीं है कि हम कैमरा लगाए हैं, क्या किए हैं। बस उनसे वो चीज़ जानने की कोशिश करिएगा कि आप 25 साल तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे, आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि आपको ये चीज़ अच्छा से मालूम था कि आपका एक साल का बेटा है, आपका एक पत्नी भी है, हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, फिर भी आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीज़ें ना उनसे जानने की आप कोशिश करिएगा, और डरना बिल्कुल नहीं है। A few moments later. पीछे हटिए आप, इस लायक नहीं हो आप, ठीक है, क्यों, तो मेरे गले मिलोगे, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या 25 साल तक कहाँ थे, अभी खड़े खड़े पूछना, बैठ के बात कर लेते ना, करेंगे बैठ के, करेंगे बैठो। अब ये क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था, 25 साल से तुमने फोन करने की कोशिश की, मेरा मतलब बनता है ये, किया तुमने मेरे से, नहीं मेरा हक बनता है ये, आपका हक कुछ नहीं है, बच्चे की तरफ भी कुछ नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही है। बच्चे की तरफ तो है, लेकिन मेरे को पता लगा कि वो बीमार था उस वक्त, अब पता लगा मुझे, तो तुमने मेरे को कोशिश की बात करने की, 25 साल, मुझे बताया था, वीडियो कॉलिंग करी, कॉल करे, आपने कब उठाया, देखने के बाद भी आपने अनदेखा कर दिया ना, मैंने अनदेखा कर दिया तो एक बार के बाद दूसरी बार तो करना चाहिए था, तीसरी बार करना चाहिए, बार बार फोन करना चाहिए था ना, बताइए, तो तुमने जानने की कोशिश की, मैं क्या जानती, मैं मेरे को बार बार फोन करना चाहिए था ना, क्या बार बार फोन करती, मैं अपना समझती थी तो मेरे को बार कुछ नहीं पता चाहिए था, आपको नहीं पता 25 साल से आप बाहर हो, आपको कुछ नहीं पता कि मेरा बेटा है, क्या है, कुछ नहीं पता तुम्हें, बेटा है पता है, लेकिन अगर वो बीमार था तो तुम्हें मेरे को बताना चाहिए था, क्या बताती, तबीयत खराब है, बीमार, मेरे को देख रहे हो कैसे रह रही हूँ मैं, एक विधवा की जिंदगी जी रही हूँ, और आप पैंट कोट पहन के आए हैं, वाह जी वाह, नवाब बन के आए हैं आप, आपको शर्म नहीं आ रही, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है आपको, मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूँ, आप पैंट कोट पहन के घूम रहे हैं, वाह जी वाह, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती है वाह ऐसे बात करते हुए, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं क्या चाहता था, मुझे सब पता है, क्या चाहते थे आप, मैं वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, तो आपको ये भी तो पता था मेरे अपनी वो जिंदगी वैसे की वैसे बिताता रहूं, तो आपको ये नहीं पता था एक बच्चा भी, एक बीबी भी है मेरी, मुझे अमीर बनना था, हाँ हाँ तो उतना पता है मुझे आपको, अमीर बनना था, सब कुछ है इस वक्त, तो आपको दो बच्चे का कोई ख्याल नहीं आया, मेरा कोई ख्याल नहीं आया, मुझे तुम्हारा भी ख्याल था, बच्चे का भी ख्याल था, 25 साल काट दिया आपने ऐसे, मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूं, पैसा कमाने के, किसके लिए पैसा कमाने जा रहा था मैं, तुम लोगों के लिए ना, 25 साल से दूर हो आप, कोशिश तो करनी चाहिए थी मेरे को दोबारा बार बार फोन करने की, 25 साल से तुम भी तो बैठे रहे, शुरू में फोन किया, उसके बाद फोन नहीं किया, आपने कितने फोन कर दिए मुझे, कितने फोन कर दिए बताइए तो, कितने फोन करे आपने मुझे, जब शुरू में फोन किए थे तो बोल तो रहा हूँ, बताइए ना फिर क्या बताना चाह रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से, बताइए ना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको चाहिए था ना, मेरे को फोन करना चाहिए था ना, कितने फोन किए मैंने पता है आपको, आपने एक फोन का भी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि भूत सवार था आपके ऊपर, अमीर बनना है बस यही भूत सवार था और कुछ नहीं, ना बच्चे को देखा आपने, ना बीबी को देखा आपने, पता हमारी जिंदगी कैसे कटी है और कैसे नहीं, पता है तुम्हें कितनी परेशान हो गई थी मैं, हाँ मुझे मालूम है, बच्चे के पीछे मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ, मैं तुम्हारे को और तो अपने बेटे को अपनाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, 25 साल बाद याद आई है तुम्हें हमारी, वैसे तुम्हें हमारी याद नहीं आई, मुझे तो याद आती रही है, अब मैं यही काम करने आया, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ मैं, हाँ मैं तो भाषण दे रही हूँ, ये तो मेरा तो भाषण ही लगेगा ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेटा आप जवान हो गया तो चलो बच्चों के पास, वाह जी वाह बहुत अच्छे हो आप, तो किस लिए आए आप, बैठिए यहाँ पे बैठ के बात करिए मेरे से, बताओ तो सही, बात यही करने आया हूँ कि मेरे को अपने बेटे से मिलना है, वो कहाँ पर है उसको बुलाओ, जब से इस आदमी को याद नहीं आया, कुछ नहीं आया, अब याद आ रहा है, तो तुम्हें मालूम है मैं अपने बेटे से ही मिलने आया हूँ, तभी तुम्हें बोल रहा हूँ कि वो कहाँ पर है, बेटा जवान हो गया है, अच्छा कमाने लग गया है, तो आपको हमारी याद आ गई अब, है ना, कोई ना कोई मतलब होगा तभी आए हो, ऐसे तो आने वाले नहीं थे, क्या मतलब हो गया और क्या, क्या मतलब होगा, जब भी तो मैं ऐसी जिंदगी काट रही हूँ ना, तभी तो आए हो, जिंदगी तो मैं भी ऐसे ही काट रहा हूँ, आदमी अगर मेरे को शौक होता मैं दूसरी शादी कर सकता था, समझे,
मैंने कौन सा दूसरी शादी कर ली, मैं तो विधवा की जिंदगी काट रही हूँ ना अब तक 25 साल से। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को शौक होता मैं दूसरी शादी कर लेता, अगर मेरे दिल में तुम लोग नहीं होते तो मैं दूसरी शादी कर लेता। कोई ना कोई मतलब होगा तभी तो आए हो तुम यहाँ पे, ऐसे आ ही नहीं सकते थे। अब बेटे से मतलब पड़ गया, मेरे से मतलब पड़ गया। चलो है कहाँ, उसको बुलाओ, बात करनी है मेरे को उससे। मैंने उसे नहीं बता रखा कि तुम जिंदा हो, मैंने ये बता रखा कि मर गया तुम्हारा बाप, तभी वो आज कहां से कहां पहुंच गया। बेटे से छुपा के रखा हुआ तुमने, क्या करूं फिर, जब तो मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूं। तो इसका मतलब तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है तुम लोगों से। कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी, बात खत्म। मेरा मतलब है ना, मेरा तो मेरी वाइफ हो, वो मेरा बेटा है। अब तुम्हें बेटे की याद आ गई, वाइफ की याद आ गई है। आदमी ऐसे होते हैं, देखो जरा काम पड़ गया होगा कोई ना कोई, जरूरी इसी मारे आए हो तुम बेटे से। बुलाओ तो सही उसको, है कहां पर वो। वो मिलना ही नहीं चाहता तुमसे, और मैं मिलवाना ही नहीं चाहती पहली बात, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता है कि हाँ मेरा बाप खत्म हो चुका है, इसलिए मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। ठीक है, मैंने उसी करके दूसरी शादी भी नहीं करी, बच्चे करके। तुम बैठो आराम से, बैठ के बात करो। बेटा कहाँ पर है ये बताओ मुझे। बेटे की अच्छी खासी नौकरी है, अपना बिजनेस चला रहा है वो। ठीक है, फैक्ट्री है अपनी। ठीक है, नौकरी है। तो मैं तुम्हें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, मैं उसको अपने साथ बिजनेस में शामिल करना चाहता हूँ। अरे उसने अपना इतना बड़ा हो गया है वो कि अपना बिजनेस संभाल सकता है, सब कुछ है उसके पास, अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है हमें ज़रूरत, ऐसे हालात में छोड़ के गए थे तुम हमें, बच्चा मेरा मरने वाला था, पता है तुम्हें मैं कितनी बुरी हालत में थी, पता है तुम ऐसे हालात में छोड़ के गए थे, तो क्या क्या समझाती मैं बच्चे को। मैंने बच्चे को यही कह रखा है कि खत्म हो चुका है। समझाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी तुम लोगों का ही हूँ, ठीक है, इसलिए मिलना चाह रहा हूँ कि मैं उसको अपने साथ बिजनेस में शामिल करना चाहता हूँ। जब से बिजनेस नहीं दिखाता, जब से कुछ नहीं दिखाई दिया तुम्हें, मैं देखना क्या जी रही हूँ, क्या है ये, क्या पहन के घूम रही हूँ मैं, देखना विधवा की जिंदगी जी रही हूँ, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम, और तुम पैंट कोट पहन के घूम रहे हो, क्या है ये, क्या करूं बताओ ना, रो के मत दिखाओ मुझे, बहुत रोई हूं, 25 साल से रो रही हूं मैं, आज तक रोती चली आ रही हूं, कुछ नहीं देखा मैंने जिंदगी में, बस अपने बच्चे को देखा है मैंने, उसे रोते हुए बेचारे को, बस उसके लिए जी रही हूं मैं, और किसी के लिए नहीं जी रही मैं। ठीक है, हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसे आदमी नहीं होते तुम्हारी तरह, ठीक है, तुम अपने, तुम मेरे बेटे को मेरे से नहीं मिलवाना चाह रही, तुम अपना रिश्ता मेरे से कायम नहीं रखना चाह रही, तुम कुछ भी नहीं चाह रही, ठीक है, फोन भी तुमने शुरू में किए, बाद में फोन ही नहीं किया, इसका मतलब क्या करती, क्या समझूं मैं, क्या करती फिर मैं, बताओ तो सही, फोन तो करने चाहिए थे ना, मतलब मेरा, मेरे फर्ज है सारे, तुम्हारे फर्ज कुछ नहीं है, कुछ भी तुम्हारे फर्ज नहीं है, मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, एक बाप होने के नाते वो तो मेरा बेटा ही रहेगा ना, और तुम मेरी वाइफ ही रहोगी ना। देखो मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, मैं और परेशान नहीं होना चाहती, तुम हमारी जिंदगी में मत आओ, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कैसे बताऊँ, एक इंसान अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरा अपने बेटे को बताया, वो बताना नहीं चाहती कि वो तुम्हारा बाप है। वो क्या बताऊँ मैं उसे, अब क्या बताऊंगी, बताओ तो सही उसे, क्या बताऊंगी, बाप जिंदा है, बचपन से नहीं बताया, मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, और बाप देखो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वाह वाह क्या बाप है ये। पच्चीस साल काट दिए मैंने, 25 साल। हमारी दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी जो भी बातें हुई है। अब मुझे ये बता दो तुम यहाँ किस लिए आए हो, किस लिए आए हो मुझे ये बता दो, 25 साल बाद का कोई मतलब ही नहीं बनता आने का आदमी का जिंदगी में। मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूं, और मैं अपने बेटे को अपने बिजनेस में शामिल करना चाहता हूं। देखो कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई बात है जो तुम आए हो यहाँ पे, ऐसे कोई नहीं आता किसी के 25 साल बाद दोबारा से वापस आ जाता है इंसान, तो इसलिए मुझे बताओ आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो तुम क्या सोचती हो, क्या सोचती हो तुम, एक बंदा अपनी पत्नी को छोड़ देगा, बेटे को छोड़ देगा, क्या बता चुके हो, एक इंसान अपनी बीवी और अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तुमने छोड़ दिया, छोड़ सकते क्या होता है, तुमने छोड़ दिया मुझे और मेरे बच्चे को। मैंने छोड़ा तो मैं अभी दोबारा नहीं आता यहाँ पे। 25 साल बाद कुछ याद आ गया होगा, कोई ना कोई मतलब हो तभी तुम याद, तभी तुम मेरे पास हो, नहीं तो आते नहीं तुम, ठीक है, कोई ना कोई मतलब होगा तुम्हारा। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आया था।
अब याद आ गई तुम्हें हमारी, है ना? तुमको तो फिर भी नहीं आई ना, मेरे को मैं तो आ गई। क्यों याद करूंगी? तुमको तो नहीं आई ना? याद करूंगी? जिस इंसान ने ऐसे हालातों में छोड़ के गया मुझे, कैसे कैसे याद करूं मैं उसे? कैसे याद करूं? एक एक तिल तिल करके रोई हूं मैं, पता है? कैसे कैसे मरी हूं मैं, रोज रोज अपने बच्चे को कैसे पाला है मैंने, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो बिजनेस मैन बनना था ना। नहीं पता, लेकिन उसको तो ये भी नहीं बताया कि तेरा बाप है कौन। नहीं बताया, मैंने कहा मर गया, क्या बताती मैं उसे? क्या रिश्ते ऐसे निभाना चाहती थी? तुमने निभाया रिश्ता, मैंने नहीं निभाया। तुमने निभाया रिश्ता ऐसा, ठीक है, मैंने तो अच्छे अच्छे से निभाया था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान मरने के उसमें पड़ा और तुम छोड़ के चले जाओ उसे। अगर आज भी तुमको कुछ हो जाए, मुझे ये नहीं बताया था कि वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, वो मेरे को नहीं बताया था। वीडियो कॉलिंग करी थी, ठीक है, क्यों परेशान करने आ गए हो? देखो मैं बहुत परेशान हूँ, ऑलरेडी बहुत ही परेशान हूँ, अब थोड़े से हम लोग उभरे हैं, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ तुम चले जाओ। परेशान करने नहीं आया हूँ। तो मतलब बताओ, चलो अपना किस मतलब से आए हो तुम, ये बता दो मुझे, बताओ तो मैं सही। अपनी फैमिली को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एकदम से इंसान को याद आ जाए और वो फटाफट आ जाए कि चलो अपनी फैमिली के पास चलता हूँ मैं। क्या ख्वाबों में आ गए थे, क्या बात हो गई थी, जब से नहीं आए थे हम? बताओ किस मतलब से आए हो। तो बता तो रहा हूँ, मैंने अपनी फैमिली को अपने साथ ही रखना था, ठीक है, और तुम बार बार यही बात बोल रही हो कि कहाँ थे 25 साल से। ये बात मैं भी बोल सकता हूँ, तुम कहाँ थी 25 साल से? कहाँ थी? तुमने फोन पे बात की मेरे से? मैं अपने बेटे के साथ थी, अपने बेटे के साथ। मुझे क्या पता, क्या पता तुम्हारा भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो? जब भी तो मैं विधवा की, देखो ना, जब भी तो विधवा की जिंदगी काट रही हूँ मैं। ये मुझे क्या पता, दिखावा कर रही हूँ। अगर मेरा किसके अफेयर होता ना, ठीक है। ऐसे नहीं जिंदगी काटती मैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सब करोगे, ठीक है। अगर ऐसी बातें करनी है ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। किसने बुलाया था फिर मुझे? मैंने कोई बुलाया था तुम्हें? ठीक है जाओ, मुझे नहीं बुलाना तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बैठ के नहीं बात कर रहे हो? कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है, क्या बात कर रहे हो, बैठो तो सही। आपकी वाइफ नहीं हो सकती है ना ये? नहीं, मेरी। मैंने इनको कोठे पे बैठे हुए देखा था। बात कैसे कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? कैसे कोठे पे बैठे हुए देखा? मैंने उनको देखा है। आप हटो ना, आप बैठो तो सही। कुछ बात कैसे कर रहे हो? अब मैं जो आप चाहते हो ना, मैं वही चीज लाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो धंधे वाली है। तुम ऐसे बात कैसे कर रहे हो अंकल? ये आपकी पत्नी नहीं है ना? मैंने इनको कोठे पे बैठते हुए देखा है। कैसे बात कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। कैसे बात कर रहे हो तुम? इतना तकलीफ हो रहा है। गलत थोड़ी कह रहे हैं, गुस्से की हो रहे हैं। ये गलत नहीं कह रहे हैं। तुम क्यों आ रहे हो बीच में? अंकल आप बैठो यहाँ। आपको क्यों गलत बोल रहे हो तुम दोनों इसके बारे में? सुनो, आपको यकीन नहीं आ रहा है, पूछिए इनसे, पूछिए ना, ये धंधा वाली है। तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, देखो तुम्हारी वजह से। ये धंधा करती है, देखो क्या क्या सुना रहे हैं। आपकी बीवी कहाँ से हो गई? देखो पत्नी है आपकी? पत्नी नहीं है आपकी? वो मेरी पत्नी है तो आप नहीं बोलते जाओ। नहीं है ना, वो कोठे पर एक तवायद है। मारूंगा पकड़ के अगर ऐसी बातें करोगे तो। गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। अगर आपकी बीवी है तो विधवा क्यों? मतलब जब आपको इतना, ठीक है मान लिया, हम गलत बोल रहे हैं, आप मारिए हमको, जितना मारना उतना मार। बैठिए तो सही, पहले बैठो यहाँ। अगर आपकी वो बीवी है, कहाँ थे आप 25 साल? इसमें जगह है तो बताना जरूरी है। मेरी बात सुनिए ना, तुम होते कौन हो पूछने वाले, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? उनके लिए इसमें जगह है आज भी? बिल्कुल है। नहीं है ना? बिल्कुल है। उसको आप आज से 25 साल पहले ही पैरों तले दबा करके खत्म कर दिया। आज तो आए हो झूठमूठ का अपना एक बहाना का फरियाद लेकर के उनके पास में, क्यों आए हो? करने आया हूं। क्या आज भी उनका संपत्ति हड़पना है क्या, कि आप आए हो उनसे? कुछ कमी पड़ गई है क्या? मुझे भी यही लगता है। क्यों आए हो आज एक बैग 25 साल बाद आपको याद आई है बीबी और बच्चे, क्या रीजन है? 25 साल बाद नहीं, बीच में इन्होंने भी फोन नहीं किया, स्टार्टिंग में फोन किया था मेरे को, यहाँ तक मतलब नहीं बताया इन्होंने। आपका क्या फर्ज बनता है? आपका क्या फर्ज बनता है? बेटा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है, बीमार है वो, यहाँ तक नहीं बताया इन्होंने मुझे। अरे 25 साल से आपको याद नहीं आया? आपको मतलब बताया भी नहीं गया है? वो कह रहे हैं कि हमने बताया, उनको वीडियो कॉलिंग भी दिखाया लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। क्योंकि आपने इग्नोर, बंदा कहीं बिजनेस में मजबूर होता है, फोन नहीं उठा सकता है, तो बंदा दूसरी बार तीसरी बार कर सकता है ना फोन? मतलब एक या दो बार फोन किया, उसके बाद फोन अंकल मेरा खोपड़ी मत घुमाओ, समझो ना, एकदम आपने खोड़ दूंगा मैं कभी? एक बात बताओ साला, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बीवी बच्चों को आगे वो साला झुक जाए उसके बिजनेस के आगे, वो बीवी बच्चों को छोड़ करके? है कोई बिजनेस जानना चाहते हो सब कुछ?
जानना चाहते हैं ना, क्यों जानना चाहते हो? क्यों उसको छोड़ करके गए, उनको छोड़ कर आज वो ये पति के रहते हुए साला ये सांड जैसा पति है, आज भी उसके बावजूद भी वो विधवा की जिंदगी जी रही है, व्हाइट साड़ी डाल के जी रही है, क्या रीजन है, क्यों गए छोड़ करके? उसका बहुत बड़ा रीजन था। क्या रीजन था? क्यों गए, आज क्यों आए हो पहले ये बताओ? आज उनका संपत्ति लिखाना है, उनके मायके में जो होगा थोड़ा बहुत वो भी चाहिए क्या आपको? है क्या चाहिए? उनके मायके की संपत्ति से और किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे पता चल, पैसा बहुत है मेरे पास। क्यों आए हो? पैसा बहुत है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों आए हो, रीजन क्या है? आप अपने बेटे के लिए तो नहीं आए? उधर खींच के थोड़ा, हम आपसे बात करना चाहते हैं ना थोड़ा। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो ना, सेठ आदमी हो, कंपनी का मालिक हो, ऐसा नहीं समझते आप। क्या रीजन था, क्यों छोड़ कर गए? वो जब आई हमसे बताई, देखो हम सामने कैमरा भी लगाए हो, देख रहे हो तुम्हारा जितना ये नाटक है ना, ये सारा नाटक हम उसमें रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक है? सारी हकीकत ना इसको मैं यूट्यूब फेसबुक पर डाल करके, हमारा एक फैमिली होता है यूट्यूब पे फेसबुक पे, उन सब के बीच में पब्लिश करेंगे और दिखाएंगे कि ये सेठ जी हैं, विदेश में इनकी कंपनी है, सेठ गिरी करते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कार से आए होंगे अभी, कार से आए हैं ना, हैं एसी में बैठ के आए होंगे, लेकिन इनकी पत्नी और इनके बच्चे 25 साल से दोस्तों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं था। आज मैं जब उनको बोला सॉरी, अपने जुबान थोड़ा सा गलत चलाना पड़ा इनकी सच्चाई जानने के लिए, कि उनकी पत्नी क्या कहते हैं कि कोठे में बैठती है, तो इनको बुरा लग गया, कहीं ना कहीं इनके दिलों में आज भी जगह है पत्नी के लिए, लेकिन इसका जरा सा भी इनके अंदर ख्याल नहीं था कि 25 साल तक हमारे बीवी बच्चे किस हालात में जी रहे होंगे। क्यों आए हैं यार? अरे पछतावा हो रही है, हकीकत हम बताएं क्यों आए हैं आप? क्या आपके लड़के से भी बात हुआ है? हमें जानते क्या होते? बहुत चीज जानता हूँ, आप जो आए हैं ना यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन हम वो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप ही बता दीजिए। उम्र हो गया ना भैया, अब सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फालतू की बातें मत करो। फालतू की बातें नहीं, सच्चाई है, यही सच्चाई है, अब जरूरत है आपको। हाँ तो रहे हो, चुप करके बैठो फिर। बहुत पैसे है ना आपके पास, तो जाइए ना दूसरा शादी कर लीजिए, कर लीजिए। क्यों आए हैं? वो अपने बेटे के सहारे जी रही है ना, वो अपने बेटे के सहारे जी रही हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है, तभी तो उन्होंने आपको भुला दिया, आप भी भुला जाइए उनको। कैसा इंसान है, 25 साल से याद नहीं आया, अचानक याद आ गया। उस अवस्था में आप छोड़ कर गए जिस अवस्था में वो लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था, खेल रहा था, अधिकार था आपको छोड़कर जाने का? नहीं, इन्हें पैसा चाहिए था, उस टाइम इन्हें पैसा चाहिए था। फैमिली क्यों छोड़कर गए थे, इधर बताइएगा, पछतावा मत करिए ना आप। देखिए वो आपकी फैमिली है, आपकी परिवार है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, हमारा नहीं कि हम उनको लेकर के झेलेंगे। आज आई हमसे बताई, 6-7 लोगों रोज से हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो हमको थोड़ा तकलीफ हुआ, हमने ज़बरदस्ती किया उनको कि नहीं वो मिलना चाहते हैं ना, तो आप उनसे मिलिए एक बार, वो नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके आपको यहाँ पे बुलवाया कि आप मिलिए तो सही, कम से कम एक बार पता तो लगेगा कि आखिर बंदा छोड़ कर क्यों गया हो। क्या पैसा इतना बड़ा है कि बीच में अगर बीवी बच्चा है तो उसको भी लात मार के आदमी चला जाएगा? मैंने पहली दफे देखा है ऐसा आदमी, पहली दफे देखो जरा। इतनी गरीबी में जब इंसान पैदा होता है ना, और इतनी गरीबी में जब रह रहा होता है, जो अपने बीवी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रख सकता, उनकी केयर नहीं कर सकता, तो उसको पैसे की जरूरत होती है। अरे तो पैसे मतलब गरीबी ऐसा भी नहीं है कि साला बीवी बच्चों को ले जाके कोठे पे बैठा दो, उसके बाद पैसा कमाने के लिए। हाँ, उसके बाद बहुत सारा तरीका होता है पैसा कमाने, कुछ भी कर दोगे, गुस्सा मत दिलाओ अंकल, नहीं तो हम देखो हाथ उठ जाएगा हमारा। ये काम तो साथ में भी रह के कर सकते थे ना। पैसा पैसा साला पैसा, सब चीज पैसा नहीं ना होता है अंकल, काहे नहीं आप इस चीज को समझ रहे हो? अब तुम सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बताऊं? वही तो हम सुनना चाहते हैं, आप बताओगे तब तो हम सुनेंगे क्यों छोड़ करके गए थे और क्यों यहाँ पे आप आए हो। मेन मकसद यही है ना हम आपसे जानने का, क्यों छोड़ करके आप गए थे, क्या रीजन था? रीजन ये था, अच्छा, कि उस वक्त मैं जिस कंपनी में काम करता था तो मेरे जो कंपनी के ऑनर थे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो भी हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा। और वो मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। अच्छा। तो अचानक उनकी डेथ हो गई। अच्छा। और वो मतलब कंपनी, एक मिनट जस्ट मिनट, जिस वक्त आपके कंपनी के मालिक का तबीयत खराब था उस समय आपके बीवी बच्चों का भी तबीयत खराब था? हम जरूरी नहीं थे इनके लिए, वो जरूरी था। मुझे बताया किसने? मतलब झूठ बोल रही है, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। झूठ, सबसे पहले तो झूठ मत बोलिए, जो रियल है वो बताइए।
क्यों छोड़ा था आपने उनको हॉस्पिटल में उस समय? मैंने इसीलिए छोड़ा था, बल्कि छोड़ा भी नहीं था, वो मजबूरी थी मेरी कि वहाँ पे उनकी डेथ हो रही है और मैं उनको छोड़ के आ जाऊँ कंपनी मालिक की। ठीक है, मान लीजिए दोनों को आपको देखना था, तो इतने दिनों के बाद आपने बीवी बच्चों से आप कांटेक्ट करने क्यों नहीं कोशिश की? आज 25 साल बाद आप आए हो, क्यों आए हो? इसका भी रीजन, इसका रीजन आप नहीं बताओगे लेकिन हम बता रहे हैं, जानते हैं क्यों आए हैं, जानते हैं क्यों आए हैं। इनके कंपनी में नुकसान हुआ है 250 करोड़ का, कि 250 करोड़ का, कितने का हुआ है? आपका बेटा ऑर्डर दे करके नहीं उठा रहे ऑर्डर, उसके लिए आए हैं यहाँ पे। उसके लिए मिलना चाहते थे आपसे, बहुत बड़ा ढोंगी है, क्योंकि आप नहीं बता रहे थे ना। लेकिन आपके बात होने के बाद आपके लड़के से मैं जब बात किया तो बोल रहा था कि वैसा ऐसा बात है भैया, इसलिए पापा हमसे माँ से मिलना चाहते हैं। देखा, सच्चाई ये है कि नहीं? किसी ना किसी मतलब से आ रहा है ये आदमी मिलने, ऐसे नहीं आ सकता ये, इसे हर जगह मतलब चाहिए, बिना मतलब के। आज आपको अपने कंपनी में जब नुकसान है तो आपको मतलब दुनिया दिख रहा है, तब आ गए हो बीवी बच्चों के पास मतलब सर झुकाने के लिए, हैं? सबके पास वैसे ही होता है ना, जब समय नीचा होता है ना सबके साथ वैसे ही बीतता है। पछतावा हो रही है, मतलब से आया है, बताओ जरा। बिना मतलब के आता तो मैं कुछ सोचती कि हाँ चलो आ गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब भी मतलब से आया ये आदमी। दुख में पैसा काम नहीं आएगा अंकल, फैमिली काम आती है। एक औरत आदमी के काम आती है, आदमी औरत के काम आता है, लेकिन ये तो मेरे किसी भी काम नहीं आया। अभी भी थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत बचा है ना, तभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपना लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो अपना नहीं आया हूँ ना इनको, क्योंकि देखो वो अपना है तब ना, केवल आपके अपनाने से नहीं ना होगा। 25 साल पहले छोड़ वो एक्सेप्ट करे तब ना। मैं नहीं करूँगी ऐसे आदमी, मैं क्या करूँगी ऐसे आदमी का, बताओ। अब बताओ, यहाँ हम अपनाने के लिए नहीं बुलाए थे, हम जानने के लिए बुलाए थे कि आप क्या क्यों उसको परेशान उनको कर रहे हो, मिलने के लिए बार बार आप टॉर्चर कर रहे हो, जब इतना दिन से आप नहीं मिले तो। देखा, मैंने कहा था ना ये मतलब से आया, बिना मतलब के कुछ नहीं है इसके लिए जिंदगी में, ये मतलब से आया, बेटे से मिलने नहीं आया, मेरे से मिलने नहीं आया, ये मतलब से ऐसे पैसा चाहिए। अरे आंटी, तो दुनिया में कौन इंसान है जिसको पैसा नहीं चाहिए, सब किसी को पैसा चाहिए। तो बीवी बच्चे भी तो चाहिए। मैं ठीक है, नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ, ऐसे मतलब इंसान का मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, ऐसे आदमी के साथ भैया ऐसे ही होना चाहिए, ये अभी भी इंसान आया तो मतलब के लिए आया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका बोए बीज बबूल का तो काटे कहाँ से आम, बबूल बोओगे तो आम कहाँ से काटोगे? तुमने अपने 25 साल के लाइफ में कांटा ही कांटा खेतों में बीज डाल रखा है, फूल नहीं मिलेगा। चलो भैया हटाओ, चलते हैं। चलो आप भी चलो, हम बात करेंगे उनसे, ठीक है, अगर कोशिश करेंगे मनाने का, अगर मान गई तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपका तो कॉल उठाएगी नहीं, मुझे पता है। चलो आप उस लायक काम किए ही नहीं हो, आपकी पत्नी है ना, लेकिन वो आपसे ही बात करना नहीं चाहती, फिर भी मैं बात करूंगा उनसे और कोशिश करूंगा उनको मनाने का, अगर वो मान गई, आप लड़के को से भी बात करूंगा, अगर वो भी मान गए तो मैं फिर आपको हो सके तो मैं बुलाऊंगा, पहले बात कर लूँगा उनके लड़के से भी और उनसे दोनों आदमी से, उसके बाद में। चलिए आप कोशिश करो, ठीक है, चलिए जाइए, ठीक है, बंद करो बाबू।